हेलो स्टूडेंट्स, मिडिल एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ आपके सामने है कक्षा दसवीं का एक मॉडल प्रैक्टिस पेपर सेट, जिसका कि सेट नंबर 2 यहाँ पे आप देख रहे हैं। सेट नंबर 1 मैं पहले करवा चुकी हूँ, अब मैं आपको सेट नंबर 2 करवाने वाली हूँ। ये एक प्रैक्टिस सेट है, यानी कि अभ्यास प्रश्न पत्र आपके अभ्यास के लिए बनाया गया है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपके एग्ज़ाम में जो कि आने के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, तो वो आप अच्छे से तैयार कर सकें। अब यहाँ पे देखिए, कई जगह आपको रियल पेपर, वायरल पेपर, इस तरीके की अफवाह जो भी हैं चैनल्स पे दिखाई जा रही, तो आप उसमें बिल्कुल भी ना पढ़ें, क्योंकि जैसा कि आज आपने हिंदी के पेपर में देखा होगा, कई ज़िलों में अलग अलग पेपर आए हैं। यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कर लेते हैं, तो डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकेंगे। तो किसी भी प्रकार की ये जो अफवाह है, या फिर किसी भी प्रकार के वायरल पेपर के चक्कर में ना पढ़ते हुए आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, और साथ में जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, चाहे वो परीक्षा अध्ययन हो, परीक्षा बोध हो, या किसी प्रकार के इम्पॉर्टेंट कोई भी आपके पास बुक हो, उससे अच्छे से आप पढ़ाई करें। और साथ में इन मॉडल पेपर्स में भी जो क्वेश्चंस बताए गए हैं, वो भी इसी तरीके से जो पिछले सालों में पूछे जाते हैं, उसके आधार पर ही ये तैयार किए गए। तो इन सेट्स को भी पूरा कम्प्लीट कर लीजिए, उसके साथ साथ आपकी बुक से भी अच्छे से पढ़ाई करके आप जाइए। तो यहाँ पर चलिए फटाफट हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका क्या है, रीड द अनसीन पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। तो यहाँ पे आपको पैसेज पढ़ना है जो कि कैटरेक्ट यानी कि मोतियाबिंद के बारे में है। आँख में होने वाली एक बीमारी होती है मोतियाबिंद, जिसमें कि धुंधलापन हो जाता है आँख में, तो उसी के बारे में ये पैसेज दिया गया है। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, वॉट इज़ द मेजर कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस, जो धुंधलापन है, अंधापन है, उसका बड़ा कारण क्या होता है। तो जो कारण है वो क्या है, कैटरैक्ट इज़ द मेजर कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस, ये फर्स्ट वाला हो गया। ठीक है, सेकंड क्या है, वाई डज द लेंस ऑफ द आई बिकेम ओपेक इन ओल्ड एज। तो इसका जो आंसर है तो ये हो जाएगा, द लेंस ऑफ द आई बिकेम ओपेक इन ओल्ड एज बिकॉज इट ऑब्स्ट्रक्ट्स द लाइट रेज फ्रॉम एंटरिंग द आई। ये देखिए लास्ट लाइन में इसका आंसर दिया गया है। ये जो आपका मॉडल पेपर, इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके डाउनलोड कर लेना है। यदि आपको लिंक डाउनलोड करने में कोई भी दिक्कत आती है, तो आप इसका पीडीएफ जो है वो स्क्रीनशॉट लेकर बना सकते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, जिससे आप अच्छे से इसको पढ़ पाएँ। हाउ डज कैटरैक्ट अफेक्ट इट्स विक्टिम अल्टीमेटली, जो मोतियाबिंद है वो किस तरीके से प्रभावित करता है। तो क्या है कि पेशेंट में ब्लाइंडनेस दिखने लगती है। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज वन डिटेक्ट कॉन्टेरेक्ट इन अर्ली एज, कभी कभी ये जो मोतियाबिंद है वो कम उम्र में कैसे हो जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि वैसे तो ये हमेशा कैसा होता है कि अधिक उम्र वाले लोगों को हो जाता है, लेकिन हमेशा क्या होता है अधिक उम्र वालों को, लेकिन समटाइम्स चिल्ड्रन आर बॉर्न विद कैटरेक्ट बिकॉज हेरिडिटी डिफेक्ट, आई इंजरी, ये सब चीज़ें होने की वजह से कई कई बार, जैसे कि जन्म से ही कोई बीमारी है, हेरिडिटी है, वंशानुगत कोई भी चीज़ अंदर जीन्स चले आ रहे हैं उसकी वजह से, या फिर किसी भी तरीके की कोई ऐसी इंजरी हो आई इंजरीज में, तो उसकी वजह से यहाँ पे कैटरेक्ट उसको बचपन से ही हो सकता है। फिर उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5वां, गिव एनी 2 फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कैटरेक्ट। 2 ऐसे कारण बताना थे जो कि इसके लिए जिम्मेदार है। तो पहला है स्मोकिंग कैरीज सब्सटेंसेज इंटरनली डैमेजिंग द आई, स्मोकिंग करने से जो होता है यानी कि बीड़ी सिगरेट पीने से जो होता है वो आई डैमेज हो सकती है। और दूसरा हेरिडिटी यानी कि जो वंशानुगत जो भी तरीके के गुण जो हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र हो रहा है, उनकी वजह से भी ये किसी बच्चे में आ सकती है बीमारी। देखिए यहाँ पे इसका आंसर इस लाइन में हाँ दिया गया है,
ठीक है, अब उसके बाद आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। आपको इंग्लिश में कुछ भी घबराने की या डरने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश के सारे क्वेश्चन आंसर्स भी मैं आपको बहुत अच्छे से हिंदी में ट्रांसलेट करके समझाऊंगी, जिससे आपको इंग्लिश में कुछ भी कठिन नहीं लगेगा, एक एक शब्द बहुत ही आसान हो जाएगा। बस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए और अच्छे से कल के पेपर की तैयारी कर कि आप मिडिल एजुकेशन के साथ करके और साथ में पेपर देने के लिए जाइए। यहाँ पे है मैरी वॉज ब्लाइंड एट बर्थ। तो एक मैरी नाम की लड़की के बारे में पैसेज दिया गया है जो कि बचपन से ही अंधी थी। तो यहाँ पे पूछा गया पहला क्वेश्चन, वन हु कैन नॉट सी इज कॉल्ड, जो कुछ नहीं देख सकता वो क्या कहलाता है। तो पहला हो जाएगा ब्लाइंड, क्या कहलाता है, अंधा कहलाता है। दूसरा है बीइंग एबल टू सी वॉज, मतलब कि देखना जो था वो कैसा लगता था मैरी के लिए। तो मैरी के लिए ये जो था वो था फर्स्ट नंबर का ऑप्शन, समथिंग मैरी वॉज नॉट हैप्पी विद। इस पैसेज में देखिए दिया गया है कि मैरी जो थी वो अंधी थी, धीरे धीरे कोशिश की गई कि उसे ठीक किया जाए, लेकिन फिर उसको वो आँखों की जो रोशनी वापस आई तो उसको वो अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसने अपनी एक ज़िंदगी या दुनिया बना ली थी उसी प्रकार से एक अंधेरे में ही, उसको वैसे ही वो सारी चीज़ों की कल्पना करने लगी थी। तो इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है कि वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं हुई। ये देखिए ये लिखा है, शी वॉज नॉट ऑल हैप्पी, जबकि उन्होंने उसकी आई को फिर से ठीक किया। उसके बाद फिर आगे पूछा गया है तीसरे नंबर का, अकॉर्डिंग टू द पैसेज मैरीज इनएबिलिटी टू सी वॉज, जो मैरी की इनएबिलिटी थी या फिर अपंगता थी वो कैसे थी। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेजेंट फ्रॉम हर बर्थ, उसकी जन्म से ही ये जो प्रॉब्लम थी वो थी, ये भी पैसेज में ही दिया गया है। फिर फोर्थ नंबर का है, वॉट हैड कॉज्ड हर टू मूव इनटू हर ओन फ्लैट, क्या कारण था जिससे कि उसको उसके घर में मूव किया गया, रखा गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, बहुत सारे सालों की ट्रेनिंग, ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग टू लाइव इन अ डार्क वर्क, कई दिनों तक, कई समय तक, उसको कई सालों तक एक अंधेरी दुनिया में रखा गया और उसके बाद ही वो अपने घर वापस आई और एक नॉर्मल ज़िंदगी उसने शुरू कर पाई। तो ये देखिए ये सब भी उसके बारे में यहाँ लिखा है, आफ्टर अ ईयर ऑफ ट्रेनिंग टू लाइव इन अ डार्क वर्ल्ड। तो इससे ही हमने इसको छांट के आंसर को लगाया है। पाँचवा, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज़ सिमिलर टू पेन, दर्द के समान क्या है, तो ये एंग्विश, एंग्विश का मतलब होता है बहुत अत्यंत कोई अंदरूनी पीड़ा होना। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम सेक्शन नंबर बी। अब सेक्शन नंबर बी है आपके लिए सबसे ज़्यादा कठिन, जो आपको लगता है कि नोट मेकिंग कैसे बनाई जाए। तो यहाँ मैं बहुत आसान आपको बता रही हूँ कि आपको पढ़ना है पैसेज को और साथ में नोट्स बनाना है, इसका टाइटल भी लिखना है। तो सबसे पहले हम ये समझ लें कि काय के बारे में है, डिसिप्लिन इज़ आ नेसेसरी इन लाइफ, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। और साथ में दिया गया है कि जो डिसिप्लिन के बिना है व्यक्ति की ज़िंदगी बिल्कुल भी सार्थक नहीं है, ना तो वो अपनी ज़िंदगी में कभी सफल हो सकता। तो इसी तरीके से इनने सब कुछ यहाँ पर लिखा है। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, सबसे पहले तो हमने यहाँ पर टाइटल बताएंगे, टाइटल क्या है इसका, टाइटल इसका है डिसिप्लिन, अपन को अनुशासन जो सामने दिख रहा है वही टाइटल हो गया। अब सेकंड नोट्स बनाएंगे, पहला है डिसिप्लिन इम्पॉर्टेंट कंडीशन ऑफ, डिसिप्लिन की सबसे महत्वपूर्ण क्या स्थिति है जिसमें वो क्या करता है, तो प्रोग्रेस करता है, स्टेबिलिटी यानी स्थिरता रखता है, स्ट्रेंथ यानी शक्ति लाता है। तो ऐसे इस मेन हेडिंग के अंदर हमने तीन सब हेडिंग बना दी। दूसरा है क्या, विदाउट डिसिप्लिन देयर विल बी, बिना डिसिप्लिन के क्या होगा, तो पहला है डिसऑर्डर, ठीक है, कई तरीके की बीमारियां। दूसरा है लॉलेसनेस, मतलब किसी भी प्रकार से हम किसी नियम कानून के अंदर नहीं रहेंगे। तो इस तरीके से ये आपकी नोट मेकिंग हो गई, तो इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिए। इसमें आपको टाइटल सबसे पहले लिखना है, टाइटल लिखना मत भूलिए। अब देखिए अब यहाँ पे कंप्लीट होने के बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर फोर, यू आर कुशाल शर्मा स्टडिंग इन गवर्नमेंट एच एस एस
नायन पुरा राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर फी कंसेशन। आपको फीस माफ़ करने के लिए एक आवेदन पत्र लिखना है। और आप कौन है? कुशाल शर्मा है, जो कि गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नयनपुरा में पढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात आपको ये लिखना है टू द प्रिंसिपल। स्कूल का नाम आप वही लिखेंगे जो कि आपके एप्लीकेशन में लिखा है, तो HSS नयनपुरा, ठीक है, वही आपको डाल देना है। उसके बाद फिर यहाँ पे जो स्थान है वो डाला हो तो वहाँ से ही देख के आप डालें। फिर उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? एप्लीकेशन फॉर फी कंसेशन, ये भी आपको क्वेश्चन से ही देख के मिल जाएगा। इतना तो बस एप्लीकेशन फॉर आपको इसमें जोड़ना है। अब उसके बाद रिस्पेक्टेड सारिया मैडम, आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू वेल। आई एम, यहाँ पे आ जाएगा आपका जो नाम दिया गया है, ठीक है। अ स्टूडेंट ऑफ टेंथ गवर्नमेंट, ये जो स्कूल का नाम है उसमें भी आपको वही स्कूल का नाम लिखना है जो आपके क्वेश्चन पेपर में लिखा है। आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट अ फी कंसेशन ड्यू टू फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स फेस्ड बाय माय फैमिली। जो मेरा परिवार है वो आर्थिक तंगी या फिर समस्या का सामना कर रहा है, इसलिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे आप फीस माफ़ करने के लिए एक मैं अनुरोध आपसे कर रहा हूँ। फिर है आई सिंसियरली सीक योर अंडरस्टैंडिंग एंड सपोर्ट इन दिस मैटर एज इट वुड ग्रेटली असिस्ट मी इन कंटिन्यूइंग माय एजुकेशन। आपका यदि गंभीरतापूर्वक मेरी इस समस्या को समझेंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे, तो आगे जाके मैं अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर पाऊँगा और मैं आपका बहुत ज़्यादा आभारी रहूँगा। थैंक You for considering my request। यदि आप मेरी ये जो अनुरोध है, प्रार्थना है, उसको आप यहाँ पे किसी भी तरीके से कंसीडर करते हैं, स्वीकार करते हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। फिर योर सिंसियरली में आपको क्या लिखना है? अरुण शर्मा या जो भी नाम वहाँ दिया गया क्वेश्चन में वो ही लिखना है। सिंसियरली की जगह आप फेथफुली भी लिख सकते हैं। अब उसके बाद है सेकेंड जो लेटर है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू योर बर्थडे पार्टी। आपको फ्रेंड को लिखना है एक लेटर बर्थडे पार्टी में बुलाने के लिए। तो ये देखिए, तो ऐसा है कि इसमें आप नाम वाम अपने हिसाब से ही डाल सकते हैं। जो भी आपको एड्रेस डालना वो ऊपर डाल लीजिए, नाम जो डालना है अपने दोस्त का वो डाल लीजिए। फिर आई होप यू आर क्वाइट वेल एंड फाइन देयर, मुझे उम्मीद है तुम बहुत ज़्यादा अच्छे कुशलता पूर्वक होगे वहाँ। यू नो माई बर्थडे फॉल्स ऑन 20th March, मेरा जो जन्मदिन है वो 20 मार्च को है, तुम्हें पता है। दिस ईयर टू आई विश टू स्पेंड इट विथ फ्रेंड्स लाइक यू। मैं ऐसा चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मैं इस वर्ष जो जन्मदिन है कि जैसे मित्रों के साथ मनाऊँ। अ बर्थडे पार्टी हैज़ बीन अरेंज ऑन दिस डे एट आनंद जो गार्डन है यहाँ पे, आनंद गार्डन में ये जो पार्टी है, बर्थडे पार्टी है, वो मनाई जाना है 7 बजे। प्लीज़ डू कम एंड ऑल्सो ब्रिंग योर लिटिल सिस्टर विद यू, अपनी छोटी बहन को भी अपने साथ लेकर आइए। और मैं आपको ये निमंत्रण देता हूँ कि आप वहाँ पे ज़रूर आइए। रेस्ट ऑन मीटिंग, बाकी का सब मिलके बात करेंगे। और फिर योर्स एज एवर, हमेशा के लिए तुम्हारा दीपू। तो इस तरीके से आप यहाँ पे भी अपना दूसरा नाम डाल सकते हैं, जो भी आप डालना चाहें। लेकिन यदि क्वेश्चन में कोई नाम या पता डला रहता है तो वो आपको आपके लेटर में भी वैसे का वैसे मेंशन करना होता है। फिर उसके बाद है 5वां नंबर का, यहाँ पे आपको एक पैराग्राफ लिखना है इन टॉपिक्स पे। तो हम देखते हैं मॉडर्न साइंस। देखिए, आप वंडर ऑफ साइंस का ही ऐसे इसमें लिख सकते हैं एक पैराग्राफ के रूप में। पहले इंट्रोडक्शन जो आपने याद किया हो, फिर साइंटिफिक इन्वेंशन, अलग अलग आविष्कार आपने याद किए होंगे, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन जैसे कि यातायात और संचार के साधन, फिर मेडिसिन एंड सर्जरी यानी कि जो चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान है, फिर कंप्यूटर, फिर डिसएडवांटेज यानी उसकी कुछ हानियाँ भी, और फिर कंक्लूजन निष्कर्ष। तो जब आपको पैराग्राफ लिखने आता है तो आप ये जो सारी चीज़ें हैं इनको ही मिला के एक पैराग्राफ बना के लिख सकते हैं। तो ऐसे कि एक लाइन समझाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो राइट अ शॉर्ट स्टोरी। इस पिक्चर को देख के आपको शॉर्ट स्टोरी बताना है। ये एक राजा है और यहाँ सामने आपको कुछ लोग दिख रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे स्टोरी बनाई गई है कि आ किंग हैड
थ्री सन्स। एक राजा था जिसके तीन बेटे थे, बट द किंग वॉज नॉट हैप्पी एज हिज सन वर ऑलवेज क्वारलिंग अमंग दैमसेल्स। जो बेटे थे वो आपस में लड़ते थे, इसलिए जो राजा था वो खुश नहीं था। वन डे द किंग ब्रॉट अ बंडल ऑफ स्टिक्स एंड आस्क्ड हिज सन टू ब्रेक इट। एक बार राजा बहुत सारा एक बंडल लेके आया लकड़ियों का और बोला अपने लड़के से उसने कि इसको तोड़ के बताओ। ईच ऑफ देम ट्राइड हिज बेस्ट बट कुड नॉट ब्रेक इट। हर किसी ने तोड़ने की कोशिश की लेकिन कोई भी तोड़ नहीं सका। देन द किंग यूनाइटेड द बंडल एंड आस्क हिज सन टू ब्रेक द स्टिक्स सेपरेटली। उसके बाद उसने जो बंडल है उसको अलग किया और बोला कि एक अकेली लकड़ी को तोड़ के बताओ। दे ब्रोक द स्टिक्स वेरी इजीली। उन्होंने जो एक लकड़ी है उसको बहुत आसानी से तोड़ लिया। द किंग टोल्ड दैम दैट नन ऑफ दैम कुड ब्रेक द स्टिक्स वैन दे वर टाइड टूगैदर। कोई भी व्यक्ति लकड़ियों को नहीं तोड़ पाया जबकि वो एक साथ थी। बट वैन दे आर यूना दे वर यून अनटाइड दे वर ब्रोकन ईजीली। लेकिन जब उनको अलग अलग किया गया तो फिर उनको तोड़ना भी बहुत आसान हो गया। रिमेंबर यहाँ पे लिखा है यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल। यदि हम एक साथ हैं तो हम खड़े हैं, लेकिन यदि हम अलग अलग हैं तो हम गिर जाएंगे। रियल स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी। एकता में ही शक्ति है। ये उसने अपने जो बेटे थे उनको ये शिक्षा दी इस कहानी के माध्यम से, ये प्रयोग करके। अब आ जाते हैं हम सेक्शन नंबर सी जो कि ग्रामर है। तो पहला है यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर ही हैज वन रूपी नोट। तो देखो वन को आप हिंदी में लिख के देखोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे वा जो कि आपका स्वर नहीं है तो इसके आगे क्या आ जाएगा, आ जाएगा। शी प्रेफर्स कॉफी, तो इसमें जो आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे टू टू। उसके बाद फिर देखेंगे हम यहाँ आगे, इसमें आपका टू आ जाएगा, ठीक है। फिर द ट्रेन, फिर इसका हो जाएगा अराइव्ड, जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है। फिर आई हैव बीन हेयर, तो सिंस आ जाएगा, मैं बुधवार से यहाँ हूँ तो इसमें सिंस आ जाएगा। शी हैज़ नॉट, तो इसका आ जाएगा एनी मनी, क्योंकि नॉट लगा है तो नॉट के साथ हमेशा एनी का यूज़ होता है, जबकि आपको सामिया एनी में से कुछ लगाना है। मैनी यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि वो यहाँ पे नॉट में यूज़ नहीं होता। अब उसके बाद आगे बढ़ेंगे, देखेंगे इसका सिक्स्थ वाला वी ब्लैंक टू सर्व अवर नेशन, तो इसमें ऑट आ जाएगा क्योंकि किसी प्रकार की कोई कर्तव्य की बात हो रही तो उसका ऑट यहाँ पे यूज़ होता है। तो इसमें बोला गया कि हमें अपने देश की सेवा करना चाहिए। अब उसके बाद डू एस डायरेक्टेड हम देख लेते हैं। डू एस डायरेक्टेड आपको कोई पांच करना है, तो यहाँ मैं आपको सारे ही बता दे रही हूँ। इफ़ ही टेक्स अ टैक्सी, यदि वह टैक्सी लेता है ही विल रीच द स्टेशन ऑन टाइम, वो स्टेशन टाइम पर पहुँच जाएगा। अब इसकी जगह पर आपको अनलेस यानी यदि नहीं का यूज़ करना है। तो ये देखिए इसका क्या हो जाएगा, अनलेस He takes a taxi, he will not reach the station on time. तो वो यदि टैक्सी नहीं लेता, unless का मतलब यदि नहीं, तो वो यदि टैक्सी नहीं लेता है तो वो टाइम पे स्टेशन नहीं पहुंचेगा। तो आपको विल के बाद भी दूसरे सेंटेंस में नॉट जोड़ देना है क्योंकि इफ की जगह अनलेस आ रहा है, ना पड़ता है। उसके बाद सेकंड है दे मेक ब्यूटीफुल टॉयज फॉर चिल्ड्रन, उन्होंने जो है ब्यूटीफुल जो टॉय है वो चिल्ड्रन के लिए बना रहे थे। तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। तो ये हो जाएगा दे मेड ब्यूटीफुल टॉयज फॉर चिल्ड्रन, मेक की जगह सीधा मेड हो जाएगा। उसके बाद है फिर थर्ड वाला हरीश इज सो टायर्ड दैट ही कुड नॉट कैन नॉट वॉक एनी मोर, तो टू टू लगाना। तो यहाँ सो टायर्ड की जगह टू टायर्ड हो जाएगा और फिर टू लगेगा और उसके बाद सीधे बस एक वर्ब लिख दी जाएगी। ये देखिए जैसे यहाँ हरीश इज टू टायर्ड टू वॉक। फिर यहाँ पे क्या है सानिया प्लेड टेनिस, इसको नेगेटिव बनाना है क्योंकि प्लेड ई डी लगा था तो यहाँ पे डिड नॉट हो जाएगा। सानिया डिड नॉट, फिर प्ले फर्स्ट फॉर्म में लिखा जाएगा टेनिस, तो सानिया डिड नॉट प्ले टेनिस। फिर ही वॉज पेंटिंग अ पोर्ट्रेट, इसको आपको पैसिव वॉइस में बदलना है तो इसका हो जाएगा पोर्ट्रेट वॉज बीइंग पेंटेड बाय हिम। फिर उसके बाद है दिस मैन चीटेड मी आई ट्रस्टेड हिम, इसको आपको होम से कनेक्ट करना है यहाँ पे।
तो इसका हो जाएगा दिस मैन हुम आई ट्रस्टेड चीटेड मी, ऐसा व्यक्ति जिस पर मैंने भरोसा किया था उसने मुझे धोखा दिया। तो दिस मैन के बाद हुम जुड़ जाएगा, आई ट्रस्टेड चीटेड मी, तो यहाँ पे दिस मैन के बाद आपका यहाँ पे हुम जुड़ जाएगा, ठीक है। फिर चीटेड मी आई ट्रस्टेड हिम वैसे का वैसा ही रहेगा। आपका सेक्शन नंबर डी लिटरेचर सेक्शन, इसमें आपको क्या करना है, 9th नंबर का क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इन नीचे वालों का आपको आंसर देना है। हु वॉज हु हैज कंपोज द बॉल पोयम, बॉल पोयम जो थी वो किसने यहाँ पे लिखी थी, तो वो लिखी थी जॉन बैरीमैन, ये फर्स्ट वाला। सेकंड है द पोयम अमांडा इज कंपोज बाय, अमांडा किसने लिखी थी, तो रॉबिन क्लीन ने, ठीक है। उसके बाद फिर है तीसरा, अकॉर्डिंग टू अमांडा फ्रीडम क्या थी, जो पोयम थी उसके हिसाब से स्वीट, जो फ्रीडम यानी स्वतंत्रता थी वो मधुर थी मीठी थी। विच ऑफ दीज ट्रू अबाउट एनी, एनी के बारे में क्या सही था, शी वॉज आउट स्पोकन, वो बहुत ज़्यादा बातचीत करती थी, ठीक है। अब उसके बाद फिर यहाँ पे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्रोज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ये यंग सीगल जो है हिज फर्स्ट फ्लाइट लेसन से आया गया है, और ये आपको पूरा पढ़ लेना है, तो आप इसको आराम से पढ़ लीजिए। उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर वो मैं बता दे रही हूँ, द वर्ड लिटिल मी, लिटिल मी का मतलब होता है स्मॉल। दूसरा है वॉट हैपन वैन ही रेन टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, जब वो दौड़ लगा के गया तो क्या हुआ, तो ही बिकेम अफ्रेड, वो डर गया, ठीक है, यंग सीगल की यहाँ बात हो रही। तीसरा है वेयर डिड ही स्लीप इट नाइट, वो कहाँ सोया, तो अंडर द लेज, वो एक चट्टान के नीचे सोया था। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे और इसका बी नंबर का देखेंगे, यहाँ पे आपको द ट्री के बारे में कुछ लाइंस यहाँ पे दी गई हैं, फ्रॉम विच पोएम दीज लाइन हैव बीन टेकन, तो ये जो ली गई द ट्रीज से ली गई हैं। उसके बाद द फिगर ऑफ द स्पीच यूज द लाइन द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, ये क्या है, तो ये जो है वो यहाँ पे है स्माइल, ठीक है। उसके बाद थर्ड वाला है अपोजिट ऑफ फॉरवर्ड इज, फॉरवर्ड का अपोजिट क्या है, तो फॉरवर्ड का अपोजिट यहाँ पे हो जाएगा बैकवर्ड, ठीक है। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हम यहाँ पे क्वेश्चन आंसर, तो एक क्वेश्चन आंसर आपको सेकंड पार्ट में कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। यहाँ पे आपका फर्स्ट पार्ट पूरा मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट करवा दिया, जिसमें आपका ABC सेक्शन ऑलमोस्ट हो चुके हैं, अब आपके सिर्फ क्वेश्चन आंसर बचे हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम सेकेंड वाले पार्ट में कवर कर लेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।